वी आर डूइंग द एस्टिमेशन और कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल अ साम्पल ऑफ एन इज़ फोर इंडिविजुअल्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद द मीन ऑफ फोर्टी अ ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू द इंडिविजुअल इन द सैम्पल एंड आफ्टर ट्रीटमेंट साम्पल हैज मीन ऑफ फोर्टी फोर तो एक पॉपुलेशन का मीन फोर्टी है उसके ग्रुप को ट्रीटमेंट दिए और ट्रीटमेंट के बाद उनका मीन फोर्टी फोर है एंड वेरियंस और यानी एस स्क्वायर एस सिक्सटीन सो अब हमें सैम्पल का वेरिएंस नोन है हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन नहीं है इन दिस सैम्पल सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द ट्रीटमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट यूज़ अ टू ट्व टेस्ट विद एल्फा पॉइंट जीरो फाइव तो हमने क्या करना है कि हमने वो कह रहे हैं कि क्या सैम्पल सफिशेंट है कंक्लूड करने के लिए दैट द ट्रीटमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट यानी वो अगर फोर्टी से फोटी फ़ोर पर आ गई है इज़ दिस द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन सैंपल। सो हम सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या करते हैं हम सबसे पहले अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे सो वी विल फॉर्मूलेट द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और हमने अभी डिस्कस किया है कि नल हाइपोथेसिस के लिए हम कहते हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू फोर्टी यानी कि वाकई जो कह रहे हैं कि उसमें एक पॉपुलेशन में वैल्यू जो म्यू की फोर्टी है और फिर हम चूंकि वो कह रहे हैं कि क्या फोर्टी फोर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है कंक्लूड करने के लिए कि ट्रीटमेंट का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं है तो हम कहेंगे कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू फोर्टी तो दिस इज़ आर नल हाइपोथिस एंड दिस इज आर एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथिस सो वंस वी फार्मुलेट द हाइपोथेसिस अब हम टी की फार्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर एन अंडर रूट और हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता है कि एस की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी विच वॉज इक्वल टू वैसे इन्होंने ऑलरेडी हमें मेरे मेख से कैलकुलेट करके दी हुई है लेकिन हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट की थी एक्स माइनस मीन स्क्वेयर जैसे स्टैंडर्ड एवियशन की वैल्यू हम निकालते हैं और हमने किया था चूंकि एन बाइस्ट एस्टिमेशन हमने उसको ऐसे कर लिया था एन माइनस वन करके तो अभी हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ऑफ द सैम्पल की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज़ एस सिक्सटीन सो हमें उन्होंने वेरियंस की वैल्यू दी हुई है एस स्क्वायेयर की वैल्यू सिक्सटीन दी हुई है तो so हम इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे सो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एस ओवर एन अंडर रूट और हमें उन्होंने एस स्क्वायेर की वैल्यू दी इसको हमने बताया था आपको कि हम इस तरह भी निकाल सकते हैं इस वन एंड सेम थिंग तो हम क्या करेंगे सिक्सटीन एस स्क्वेयर की वैल्यू दी हुई है और एन हमारा फोर है हम अंडर वूट करके वैल्यू निकालेंगे फोर फोर जो सिक्सटीन फोर का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारा टू आ जाएगा सो स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट कर लिया विच इस टू अब हम वैल्यूज प्लाग इन करेंगे टी की मीन जो है इन्होंने फोर्टी फोर निकाला है और पॉपुलेशन का मेन जो हमारा है वो फोर्टी उन्होंने दिया हुआ है और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एरर ऑलरेडी टू निकाल लिया हुआ है तो टी की हमारी कैलकुलेट वैल्यू आ जाएगी फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज़ इक्वल टू टू अब हमने इस टू की वैल्यू को कंपेयर करना है टेबल वैल्यू के साथ बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने z की वैल्यू कैलकुलेट की थी आई विल गो बैक टू द टेबल एंड शो यू हाउ वी कैलकुलेट सी द वैल्यू फॉर द टेबल जिसके अंदर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के मुताबिक देखना है सो so, हमारा n साइज़ फोर है और डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का मतलब है n माइनस वन जो कि थ्री हो जाएगा उन्होंने कहा अल्फा पॉइंट जीरो फाइव के ऊपर हमने देखना है और टू टेल टेस्ट है तो हमारी अल्फा पॉइंट जीरो फाइव टू टेल के ऊपर हमारी क्रिटिकल वैल्यू बनती है थ्री पॉइंट वन एट टू तो अब हमने इसके साथ अपनी कंपेयर करनी है वैल्यू को और ये हमने कैलकुलेट की हुई वैल्यू दिस वन सो टू की वैल्यू है कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यू हमारी आ जाती है थ्री पॉइंट टी कैलकुलेटेड

ये प्लस आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा हमारी टू की वैल्यू कहाँ फॉल करेगी हमारी टू की वैल्यू इधर फॉल करेगी समवेयर यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की है इट इज टू इट इज फॉलिंग इन द एक्सेप्टेंस रीजन और आपको याद है कि दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन फॉर नल हाइपोथिस सो इसका मतलब है कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथसिस क्यों क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो स्मॉलर है देन द टेबल वैल्यू सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथिस जिसका मतलब है कि हाँ म्यू इज इक्वल टू फोर्टी जिसका मतलब है कि उस ट्रीटमेंट का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है इवन इफ इट्स फोर्टी फोर बट स्टिल वी विल कंक्लूड के बेस्ड ऑन दिस सैम्पल एंड बेस्ड ऑन द सैम्पल ऑफ फोर दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट टू कंक्लूड के ट्रीटमेंट uh, का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सो लेट्स डू एन अदर एग्जाम्पल विद वन टेल टेस्ट यूजली टी स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम ख़ुद से ही डिफाइन uh, करते हैं बेस्ड ऑन आर हाइपोथेसिस कि हमने वन सांप वन टेल टेस्ट करना है या टू टेल टेस्ट करना है जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर uh, मुझे पीछे प्राय डेटा या मुझे इस तरह फ़र्ज करें आई क्यू में टेस्ट कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में और मैं कहती हूँ कि एवरेज आई क्यू जो है वो हंड्रेड से ज़्यादा है उसका तो मतलब है कि आई एम मेकिंग एन एजम्पन ऑन द पॉजिटिव टेल ये पॉपुलेशन का मीन इस पॉपुलेशन uh, के अंदर ग्रेटर दैन हंड्रेड सो आई विल भी गो फॉर वन टेल टेस्टिंग इसी तरह अगर मुझे कोई भी पता नहीं है डेटा के बारे में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट तो फिर मैं यूजली टू टेल पर जाती हूँ कि हाँ कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है सो आई विल मेक जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में फॉर्मुलेट किया कि पॉपुलेशन का मीन इट्स नॉट इक्वल टू फोर इट इज़ सम हो लेसर और ग्रेटर दैन दैट सो लेट्स टू एन एग्जाम्पल विद इन आटडी द रिसर्च क्वेस्टन इज वेदर अट्रैक्टिवनेस Affects the behavior of infants looking at photographs of women's faces. The researcher predicts that the infants will spend more time, more than half of the 20 second period, looking at the attractive face. The researcher tested a sample of N9 and infants and obtained the mean of 13 seconds looking at the attractive faces with a uh, variance of. 72 टू सम स्क्वाये डेविएशन दी हुई एस एस का मतलब सेवेंटी टू दिया हुआ है तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसने कहा है जमशन उसका क्लेम क्या है कि इन्फेंट्स विल स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेकेंड्स पीरियड लुकिंग एट द ट्रैक्टिव फेसेस और फिर हमें एन साइज दिया हुआ है फिर हमें उन्होंने साम्पल um, का मीन दिया हुआ है थर्टीन पापोलेशन का इसका मतलब है कि टेन सेकेंडस हो जाएगा और हमें सम uh, ऑफ यानी ऐसे हमें उसकी वैल्यू दी हुई है तो वी विल डू एंड प्लग इन इन द एग्जाम्पल तो सबसे पहले हमें स्टेप है कि हम अपना नल हाइपोथिस फॉर्म करेंगे नल हाइपोथिस इज इक्वल टू कि हमारा जो म्यू है दैट इज़ स्मॉलर देन टेन यानी लेस देन हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेकेंडस इन्फेंट्स विल फोकस ऑन द ट्रैक्टर फेस लेकिन एक्चुअली चूँकि उनका थर्टीन सेकेंड आया है डेटा के अंदर तो हम कहेंगे कि नहीं uh, म्यू इज़ ग्रेटर दैन टेन सेकेंड सो दिस इज़ आर अल्टरनेटिव हाईपोथिस टी का फार्मूला हमें पता है मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर एन अंडर रूट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम ये कैलकुलेट कर लेंगे एस ओवर एन अंडर रूड सो हमें पता है कि हमने सबसे पहले एस कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू एस एस ओवर एन माइनस वन विच इज़ अनबाइस्ट एस्टिमेशन एस एस हमारे पास पीछे दिया हुआ था सेवेंटी टू और उसके बाद हमारे पास एन है नाइन नाइन माइनस वन इज़ 8, so 8 divided by 72 would be equal to 9. So we have a s square हमारे पास s s over n वेरियंस हम निकाल लेंगे हमें समो स्क् की वैल्यू दी हुई है which is सेवेंटी टू और फिर नीचे n minus one करेंगे तो which is equal to 8. 8 divided by 72 would be equal to 9. तो so अब हम क्या करेंगे हम स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि है वेरियंस डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट वेरियंस हमारे पास नाइन है और एन की वैल्यू भी नाइन है सो नाइन डिवाइडेड बाय नाइन इज इक्वल टू वन तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई है अब हम ठीक की वैल्यू में प्लग इन करेंगे हमारे पास सैम्पल का मीन उन्होंने थर्टीन सेकेंड निकाला हुआ है पीछे एग्जाम्पल आपने देखी है और पॉपुलेशन के लिए उन्होंने हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेकेंड विच इज इक्वल टू टेन का हुआ है और स्टैंडर्ड एरर हमने ये कैलकुलेट कर ली हुई है इसको वन करेंगे सो थ्री डिवाइडेड बाई वन विच इज़ इक्वल टू थ्री तो t की वैल्यू अब थ्री आ गई है सो t कैलकुलेटेड इज थ्री और हमने इसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करना है सो अब हम टेबल वैल्यू देखेंगे t की टेबल वैल्यू एट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी नाइन माइनस वन एट के ऊपर है अब आप खुद भी जाके उस टेबल में वैल्यू देख सकते हैं एट के ऊपर एल्फा पॉइंट जीरो फाइव के ऊपर वन टेल के ऊपर हमारी जो वैल्यू है टी की क्रिटिकल टेबल में टू पॉइंट एट नाइन दी हुई है सो थ्री एक्चुअली इज ग्रेटर देन टू पॉइंट एट नाइन तो जब भी हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी तो वो हमारी कहाँ फॉल करेगी ये हमारी है क्रिटिकल रीजन वन टेल के लिए विच इज़ इक्वल टू टू पॉइंट एट नाइन और थ्री हमारी यहाँ पे फॉल करेगी कहीं पे राइट तो ये हमारा एक्सेप्टेंस है ये हमारा रिजेक्शन रीजन है इसका मतलब है कि थ्री की वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड बड़ी है टेबल वैल्यू से विच इज़ फॉलिंग इन रिजेक्शन रीजन तो हम नल हाइपोथिस को रिजेक्ट कर देंगे सो नल हाइपोथिस इज रिजेक्टेड टेस्टिंग हाइपोथेसिस यूजिंग टी टेस्ट टेस्टिंग द क्लेम के बेबीज और इन्फेंट्स का लुकिंग एट अट्रैक्टिव फेसिस एवरेज टाइम कितना है हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा जिसका मतलब है कि म्यू इज ग्रेटर देन टेन और हम कहेंगे कि हाँ इट इज नॉट हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेकेंड बल्कि इट इज ग्रेटर देन टेन सेकेंड सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैनुअली बट इन एस पी एस एस इट इज जस्ट अ वन क्लिक गेम लेकिन यू शुड नो कि टी की इजाम्शंस क्या है कैसे हमने मीन और म्यू किया और कैसे हमें स्टैंडर्ड जो वेरियंस और सिगमा है पॉपुलेशन का अन नोन था सो वी पोट एन सैम्पल वैल्यू वी कैल्कुलेटेड द टी वी कम्पेयर द कैलकुलेटेड टी विद द टेबल टी एंड देन वी मेड आर डिसीजन अबाउट आर हाईपोथिस इधर वी विल रिजेक्ट और वी विल फेल टू रिजेक्ट